Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Masood here, and you are watching my YouTube channel Learn English with Masood. Student, आज हमारा जो topic है बहुत ही important भी है और बहुत interesting भी है. That how we use gerund and that how we use verbal noun, how we use present participle in progressive sentences and how it becomes present participle adjectives. This is very important. Lecture for the student of NMD CAT, NAMS, CSS, PMS and NUST. Be careful, let's get started. First of all, see what is a gerund. Ab gerund kya hai? Gerund is the ing form of a verb. For example, talking, playing, understanding, etc. Jab hum kisi bhi verb ke saath ing use kar lete hain, to it becomes a gerund, a form of gerund. Theek hai? अब हम उसको आगे देखेंगे कि हमने इसको टॉकिंग को कैसे यूज़ किया, प्लेइंग को कैसे यूज़ किया हुआ सेंटेंस में, या अंडरस्टैंडिंग को कैसे यूज़ किया हुआ. बट दिस इज़ कॉल्ड अ जेरेंट फॉर्म. ठीक है, ये जेरेंट यहाँ पर नहीं है, इस जेरेंट फॉर्म. इसी तरह हमारे पास इन्फिनेटिव होते हैं और टू द सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब्स, टू यूज़ करेंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ यूज़ करेंगे. वो प्ले इसके साथ हमने आई एन जी लगाया हुआ है, वो प्लेइंग बन गया. अब यहाँ पर क्या होगा, टू प्ले, टू टॉक, टू अंडरस्टैंड. सो ये जो टू के साथ प्रेपोजिशन के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म यूज की है, इट इज एन इन्फिनेटिव. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ जेरेंड एंड इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव के साथ आपको प्रेपोजिशन नजर आएगी और उसके बाद आपको फर्स्ट फॉर्म होगी, और जो जेरेंड फॉर्म है वो वर्ब के साथ हमने आई एन जी यूज़ किया हुआ. अब हम सेंटेंसेस में देखेंगे उसको कि उसे हमने एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया हुआ है, एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ किया हुआ है. ठीक है, ये हम आगे चल के देखते हैं. पेपर में किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, वी यूज टू प्लेइंग फुटबॉल इन आर चाइल्डहुड. अब यहाँ पर अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा, फोर ऑप्शन है. इन फोर ऑप्शन में से एक एरर है. ठीक है, ये हम एंड पर देखेंगे. I am used to drive a lot these days. यहाँ पर भी आपके पास फोर ऑप्शन है, उनमें से तीन ऑप्शन करेक्ट हैं और एक ऑप्शन इनकरेक्ट है. You just have to spot the error. He is known for the line of the Punjab. Again, you have four option and one of them is incorrect. Just you have to spot the error. This is a type of a question in the question paper. We will see it later and correct them. Now see the very important six uses of gerund. ठीक है, यहाँ उसे verbal noun भी कह सकते हैं, उसे gerund भी कह सकते हैं. For example, smoking. अब यहाँ पर smoking is a habit. अब देखें यहाँ पर हमने smoking के साथ आगे auxiliary यानी verb use किया हुआ है, is habit भी लिखा हुआ है. तो यहाँ पर smoking क्या है, this is the subject of the sentence. यहां पर एज ए सब्जेक्ट है. माजिद हैज स्टॉप स्मोकिंग. अब यहां पर जो हमारा मेन फॉर्म ऑफ वर्ब है वो दैट इज स्टॉप्ड है, इसको हमने प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया हुआ है, और स्मोकिंग को उसका ऑब्जेक्ट यूज किया हुआ है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. अब वर्ब कौन सा है आपका, यहां पर आपका पास्ट पार्टिसिपल स्टॉप यूज किया हुआ है. पीछे आप देखें आपके पास ऑक्सिलरी हैज है, तो वर्ब के साथ जब हम ing वाली फॉर्म यूज करेंगे, इट्स बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. माजिद इज accused ऑफ स्मोकिंग. अब यहां पर प्रेपोजिशन भी आ गई है, उस पर इल्जाम भी लगा हुआ है, और आप देखें accused और स्मोकिंग के दरमियान आपको प्रेपोजिशन नजर आ रही है. अब यहां पर स्मोकिंग जो है दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन. ठीक है, दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन. इट्स वेरी सिंपल, ऑफ के बाद आपको स्मोकिंग नजर आ रहा है. क्लियर, ओके. His habit is smoking. अब यहां पर हमने क्या कहा कि his habit is smoking. अब यहां पर smoking as a compliment है, यहां पर as a compliment of the sentence है, उसको complete करने के लिए हमने यहां पर object use किया. His habit is smoking. The bad habit smoking caused his death. अब यहां पर bad habit को explain करने के लिए हमने फिर लिखा क्या थी वो, smoking, उसके दोनों तरफ कॉमा लगा हुआ है. दिस इज दी यस एपोजिशन, गुड, नाउन इन एपोजिशंस. अब यहां अगर हम स्मोकिंग को
खत्म कर देते हैं, उसको यहां नहीं लिखते हैं, तो ये कॉमा भी खत्म हो जाएगी। तो क्या बनेगा? द हैबिट कॉज्ड हिज डेथ, ठीक है, द हैबिट ऑफ स्मोकिंग लिखेंगे तो हमारा वो प्रेपोजिशन बन जाएगी, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। एक और देखें एग्जाम्पल, स्मोकिंग एरिया इज रिजर्व। अब यहां पर एरिया जो है वो तो नहीं ना स्मोक कर रहा, हमने उस जगह को कहा हुआ है, तो वो जगह और वो जो जेरेंड फॉर्म है मिलके दोनों क्या बने? कंपाउंड नाउन बना। ये भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगी आपको। जैसे मूविंग चेयर है, चेयर तो नहीं ना मूव कर रही, तो वो भी आपका कंपाउंड नाउन। इसी तरह स्विमिंग पूल, अब पूल तो स्विमिंग नहीं कर रहा, तो हम उसका नाम रखा हुआ, तो दैट इज ऑल्सो अ कंपाउंड नाउन। स्विमिंग पूल, मूविंग चेयर इज अ कंपाउंड नाउन। यहां पर देखें, प्लेइंग टेनिस इज फन। अब यहां पर हमने प्लेइंग एज ए सब्जेक्ट यूज किया हुआ है, ठीक है, एज ए सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, प्लेइंग टेनिस इज फन, वी एंजॉय प्लेइंग टेनिस। यहां पर क्या है? यस, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, मेन वर्ब हमारा यहां पर एंजॉय है। हम यहां पर वी एंजॉयड भी यूज कर सकते हैं, वी विल एंजॉय भी यूज कर सकते हैं, तो ये रिमेन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ही रहेगा। He is excited about playing tennis. अब देखें यहाँ पर आपने excited use किया, this is past participle adjectives. इसकी एक वीडियो अपलोड मैंने की हुई है, उसमें present participle और past participle को मैंने बताया adjective. इसमें हम आज understand करेंगे present participle adjective को understand करेंगे. About playing, this is yes, object of the preposition. This is object of the preposition. इसमें excited adjective है और ये adjective past participle adjective है. इसकी एक वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वहां पर उसको देख सकते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, इसमें मैं आपको पास्ट पार्टिसिपल के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने यहां पर अंडरस्टैंड करना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी एज ए वर्ब कैसे यूज हो रहा है और प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव ये वर्ड कैसे यूज हो रहा है। लेट्स सी, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब देखें यहां पर हम Walking is a good exercise. Noun भी हमारे पास नजर आ रहा है, is भी हमारे पास है, तो यहाँ पर walking as a noun है, ठीक है, ये यहाँ पर हमारे as a subject आया हुआ है। Walking is a good exercise. This is a verbal noun used as subject in the sentence. Clear? एक और example देखें, We are playing tennis. अब यहाँ पर हमने playing लिखा हुआ है, तो playing के साथ पीछे देखें आपको auxiliary verb नजर आ रहा है, तो ये क्या होगा? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, दिस इज यूज्ड एज अ वर्ब, इट्स अ प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड यूज्ड इन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसी तरह हम इसको पास्ट में भी यूज कर सकते हैं। वी वर प्लेइंग टेनिस, ठीक है, अगर हमने पीछे वर लगा दिया तो ये पास्ट नहीं बन जाएगा, अगेन इट रिमेन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसी तरह वी शैल बी प्लेइंग टेनिस, तब भी ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल रहेगा। आइदर वी यूज इन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इसका जो नाम है, इसका जो फैमिली नेम है, इट रिमेन्स द सेम, दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, यूज इन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। अगर हम कहेंगे वी वर प्लेइंग टेनिस, तो क्या होगा? यूज्ड इन पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। वी शैल बी प्लेइंग टेनिस, यूज्ड इन फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। ओके, बी केयरफुल। आई हैव हर्ड सम सरप्राइजिंग न्यूज। अब यहां पर आपने क्या सुना? न्यूज, और सरप्राइजिंग यहां पर एडजेक्टिव है, ये डिफाइन कर रहा है न्यूज को, सो दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स। आई हैव हर्ड सम सरप्राइजिंग न्यूज। ओके, अब कुछ वर्बियल जो नाउन है ये यूज टू के साथ इस्तेमाल होंगे, लेकिन पीछे आपको शुरू में गेट नजर आएगा, ठीक है, मेन वर्ब जो है वो आपको गेट नजर आएगा, ये गेट गॉट भी हो सकता है, विल गेट भी हो सकता है। दे गेट यूज टू टेकिंग कॉफी अलॉट, ठीक है, उन्हें बहुत ज्यादा आदत पड़ जाती है। दे गॉट यूज टू प्लेइंग मोबाइल गेम्स। अब यहां पर हमारा मेन वर्ब गॉट है और वो सिंपल पास्ट में यूज हुआ है, और फर्स्ट सेंटेंस में दे गेट में हमारा सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है, वहां पर हमारा मेन वर्ब गेट था। इसी तरह यहां पर विल गेट फ्यूचर में आ गया, सिंपल फ्यूचर। आई विल गेट यूज टू ड्राइविंग सून। देखिए इन तीनों सेंटेंसेस में हमने यूज टू टेकिंग, यूज टू प्लेइंग, यूज टू ड्राइविंग यूज किया हुआ है, लेकिन पीछे क्या है? मेन वर्ब गेट, पीछे क्या है? गॉट एंड विल गेट। शी हैज गॉट यूज टू चैटिंग इन द क्लास। अब अगर हमारे पास गेट है तो हम इसको किसी फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। अब बी फॉर्म ऑफ वर्ब,
अब हम इस बी की जगह पर इज आर एम लगाएंगे और आगे यूज टू, फिर जेरेट आ जाएगी. वी आर यूज टू टेकिंग टी, ओके. वी वर यूज टू टेकिंग टी, वर भी लगा सकते हैं. दे आर यूज टू वॉचिंग द मूवी, दिस इज प्रेजेंट, बी फॉर्म है, यूज टू वॉचिंग. आई वॉज यूज टू ड्राइविंग दोज डेज, she was used to chatting those days. अब यहाँ पर हमने was use किया है, be form. इसी तरह पीछे हमने was auxiliary use किया है, they are use किया है. तो उसके बाद used to fixed phrase है, ठीक है. उसके बाद हमने gerund use किया, clear? चले अब कुछ MCQs करते हैं. We were used dash 20 miles in a day in those days. Option A to walk, Beta walked, Charlie walked, and delta to walking. Out of four these option only one is to use over there. We were used, yes, piche b form hai, to kya use hoga? Yes, we were used to walking. Well done beta, not Charlie, delta is the right option. We were used to walking 20 miles in a day in those days. Theek hai, hum itna paidal chala karte the. We use dash long here. अब यहाँ पर देखें be form भी नहीं है, get भी नहीं है, तो आगे हमने क्या use करना है? Infinitive use करेंगे. I used to have long hair, but now I don't have it. That's it. I used to have long hair, but now I don't have it. यहाँ पर हमने क्या use किया? Infinitive use किया. Yes. If you offer prayers daily. ऑफर हब यहाँ हमारा मेन वर्ब है, ये कंडीशनल सेंटेंस में आ गया है, ठीक है. ये फर्स्ट कंडीशन है. यू विल गेट, गेट आ गया, इसका मतलब क्या है? उसके बाद हम टू के बाद आई एन जी फॉर्म यूज करेंगे. यू विल गेट यूज टू ऑफरिंग, यू विल गेट यूज टू ऑफरिंग, दिस इज द राइट ऑप्शन डेल्टा. इफ यू ऑफर प्रेयर्स डेली यू विल गेट यूज टू ऑफरिंग इट 5 times. She dash glasses, but now. अब now लिखा हुआ है, इसका मतलब है पीछे कोई past tense है. She uses contact lens, uses to wearing now, used to wear हो सकता है, used to wearing भी हो सकता था अगर उसके साथ get या be होता. तो here we have used to wear. She used to wear glasses, but now she uses contact lens. Okay, अब वो contact lens use करती है. I wish everyone wore rose-colored glasses the way you do. Wish, desire kar. He has got dash lies before his elders. Ab got use hua hai, piche auxiliary hai, this is present perfect tense. Theek hai, usse aadat pad chuki hai. Uses nahi use hoga, used to tell bhi use nahi hoga, using to telling bhi use nahi hona, used to telling. Okay? He has got used to telling lies before his elders. उसको अपने बड़ों के सामने झूठ बोलने की आदत पड़ गई है. Spot the error, देखें अब इसमें वो sentences जो आपने शुरू में देखे थे वो आएंगे, उनको correct कर लेंगे. We used to playing football. Very easy. Alpha is the error. Yes, we used to play football in our childhood. I am used to drive. अब यहाँ पर be form आ चुका है, am, तो क्या आएगा? Driving, yes, beta is the error. I am used to driving. This is the error over here. Well done, beta. Good. He is known for the line of the Punjab. यहाँ पर known जो है as a past participle use हुआ है. He is known, जाना जाता है, ठीक है. As the line of the Punjab, ठीक है. अब यहाँ पर हमने preposition जो है वो फॉर की बजाय एज यूज करनी. ही इज नोन एज, नोन के बाद आपने एज प्रीपोजिशन यूज करनी. द लाइन ऑफ द पंजाब. क्वेश्चन नंबर 9, ही इज अडिक्टेड टू. अब यहां पर हमने फिर प्रीपोजिशन यूज की अडिक्टेड टू. अकस्टम टू होता है अच्छी चीज का आदि होना, और अडिक्टेड टू बुरी चीज का आदि होना. उसके बाद आपने नाउन यूज करना है. तो चार्ली हमारा एरर आ गया, ही इज अडिक्टेड टू स्मोकिंग. वेल डन बेटा, गुड. He is addicted to smoking. Well done. Number 10, this is the last one. We got used to study 8 hours at a stretch. We got used. Ab dekhiye, get ho, will get ho, got ho, has got ho.
हैव गॉट हो कुछ भी यूज करेंगे तो उसके बाद यूज टू के बाद आपने क्या यूज करना है, यस आई एन जी फॉर्म यूज करनी है. चार्ली इज द एरर. We got used to studying 8 hours at a stretch. That's it. This is the last MCQs. And if you still have any question, put your question in the comment box. I'll upload another video for you. Okay? Gerund are verbal noun. Thank you.